हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक 14 रुपए 70 पैसे की तेजी दिखाता हुआ नजर आया और ये स्टॉक 3.5% के करीबन की तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलाएगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 3% की तेजी देखने को मिली है, एक महीने में 4.5% से भी ऊपर की रैली देखने को मिल रही है, परंतु 3 महीने में 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, 6 महीने में 9.5%, परंतु 1 साल में इस स्टॉक में 9% के करीबन की तेजी देखने को मिली है। तो अगर हम 1 साल में देखें तो स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, परंतु 6 महीने में स्टॉक में 10% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। अब इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां पे इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम देखने को मिल रहेगा 564 रुपीज। 564 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 395 रुपीज। 395 रुपीज का इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अराउंड 430 रुपीज, 430 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 490 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं और लॉन्ग टर्म को भी रखें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।